सपने में सांप और नेवले की लड़ाई देखना एक बहुत ही कीमती सपना माना जाता है और जीवन में चल रहे उस समय की ओर संकेत करता है जब हम इस बात के लिए कंफ्यूज होते हैं कि अपने दिल की मानी जाए या दिमाग की। साथ ही यह सपना जीवन में जल्द ही होने वाले बड़े बदलावों की ओर भी संकेत करता है, जिसको सपने की विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से सही से समझा जा सकता है। जैसे अगर कोई सपने में सांप और नेवले को लड़ते हुए देखता है, जिसमें से दोनों ही बराबर का अटैक कर रहे हो, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान ना हुआ हो, तो यह सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि आप चाहे अपने दिल की माने या अपने दिमाग की, आपके लिए दोनों ही तरह की परिस्थितियाँ फायदेमंद रहेंगी। लेकिन अगर कोई सपने में सांप और नेवले की लड़ाई में नेवले को जीतते हुए देखता है और सांप को घायल हुए या मरा हुआ देखता है, तो यह सपना इसी बात की ओर संकेत करता है कि आपको दूसरों से ज्यादा खुद की काबिलियत पर ही भरोसा करना और उसके अकॉर्डिंग ही काम करने की जरूरत है, तभी आपको जीवन में मनचाहे परिणाम हासिल होंगे। और अगर कोई सपने में सांप और नेवले की लड़ाई में नेवले को घायल हुए या मरा हुआ देखता है और सांप को लड़ाई में जीतते हुए देखता है, तो यह सपना आपको अपने डरों और चिंताओं को खुद पर हावी ना होने देने की ओर ही संकेत करता है, वरना आपको जीवन में बहुत सी अनचाही मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर कोई सपने में सांप और नेवले की लड़ाई में अंत में दोनों को ही मरा हुआ देखता है, तो यह सपना अभी किसी भी तरह के नए काम को शुरू ना करने की ओर ही संकेत करता है, क्योंकि आपको अपने नए काम में इच्छा के विपरीत ही परिणाम देखने को मिल सकते हैं।